इस वीडियो में हम आण्विक और सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले की वीडियो में देखा था कि हम परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीखेंगे कि अणुओं का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। इसे हम आण्विक द्रव्यमान भी कहते हैं। किसी पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं का कुल द्रव्यमान होता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस प्रकार यह अणुओं का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू द्वारा दर्शाते हैं। हम इसके बारे में पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम जल के लिए आण्विक द्रव्यमान लिखना सीखते हैं। इसके लिए हम जल का सूत्र लिखते हैं। जल में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। अतः जल के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 18U। इसी तरह HNO3 का द्रव्यमान निकाल कर देखिए। सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। और यह रहा इसे हल करने का तरीका। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान होता क्या है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान इसके संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आण्विक द्रव्यमान से अलग कैसे है। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आप याद रखें। सूत्र इकाई द्रव्यमान सिर्फ उन्हीं पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जो आयनों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड लेते हैं जिसमें सोडियम और क्लोरीन आयन होते हैं। सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसलिए इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा 58.5U। वीडियो को रोके और इसे नोट कर ले। इसी तरह आप CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कैलकुलेट कीजिए। इसे कैलकुलेट करने पर इसका उत्तर आएगा 111U। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हमें आशा है कि आपको दोनों तरह के द्रव्यमान निकालना आ गया होगा। चलिए अब दिए गए यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालिए। वीडियो को रोके और इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आपको स्क्रीन पे दिए गए सारे प्रश्न अपने कॉपी में हल करने हैं जिससे आप इसे और अच्छे से समझ जाएं। धन्यवाद।